फ्रेंड देखिए कितना बढ़िया एकदम स्पंजी मुलायम केक बना है ये। हेलो फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड आज मैं आपके साथ में फ्रूट केक, ड्राई फ्रूट केक, रिच ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी हम विदाउट एग करने वाले हैं और विदाउट ऑन करने वाले हैं। और ये जो केक बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट और यमी होता है और देखकर उसका दिल खुश हो जाता है हमारा। तो इस तरह से हम रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट देख लेंगे, हमको इंग्रेडिएंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो सर मैदा लिया हुआ है मैंने, इस बॉल से मैंने यहाँ पर दो बॉल फुल प्लेन ऐसे भर के मैदा लिया हुआ है। ये मैदे के साथ में मैंने कुछ यहाँ पर मसाले रखे हुए हैं, तो मैंने आधे जायफल से कम जायफल रखा हुआ है, दालचीनी का टुकड़ा रखा हुआ है, दो इलायची रखी है, चार लौंग रखी है। तो इस तरह से हमको ये मसाले लगने वाले हैं। साथ ही हमको यहाँ पर लगने वाला है दूध लगने वाला है, तो आधा बॉल दूध लिया है, वेनिला एसेंस लगने वाला है, साथ ही बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लगने वाला है, पानी लगने वाला है, और हमको यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लगने वाले हैं जो हमारा रिच ड्राई फ्रूट्स केक होने की वजह से। तो यहाँ पर टेबल स्पून में गिनेंगे तो सब एक एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू लिए हैं, बादाम ली है और पिस्तेचू लिए हैं और वॉलनट लिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं। यहाँ पर पाउडर, तो एक चम्मच कोको पाउडर लिया हुआ है, चार चम्मच मैंने यहाँ पर टेबल स्पून से मिल्क पाउडर लिया है, ऑयल लगने वाला है तो आधा बॉल मैंने ऑयल लिया है, दो ऑरेंज का जूस लिया हुआ है। साथ ही हमको और ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, उसमें मैंने यहाँ पर गोल्डन रेजिन्स ली है जो कि डेढ़ टेबल स्पून के करीब है, डेढ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर ब्लैक रेजिन्स ली है। कुछ गार्निशिंग के लिए फ्रूट्स लिए हुए हैं और एक टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर तरबूज के बीज या वाटरमेलन के सीड्स लिए हुए हैं यहाँ पर। साथ ही हमको शक्कर लगने वाली है, तो इस तरह से मैंने ये एक बॉल और ये आधा बॉल, डेढ़ बॉल मैंने यहाँ पर शुगर ली हुई है। हमको कलरिंग के लिए और रिचनेस लाने के लिए इसमें जो टूटी फ्रूटी ली है जो तीन कलर की है, तो ये रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है, और यहाँ पर मैंने चेरीज ली है, ऑरेंज जेस्ट लिया हुआ है, यानी जो ऑरेंज का छिलका होता है उसे हल्के से ग्रेट कर लेना है, यानी उसका वाइट पार्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि वाइट पार्ट में थोड़ा सा कड़वापन और बुरा सा स्वाद होता है। और साथ ही हमको यहाँ पर दही लगने वाला है, तो मैंने दो टेबल स्पून के करीब यहाँ पर दही लिया हुआ है। अभी हमको प्रोसेस शुरू करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं एक पैन यहाँ पर ऐड कर दूँगी, ये गैस पर पैन ऐड कर दिया है और गैस ऑन कर दूँगी। अभी यहाँ पर हम ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे और उसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर देने वाली हूँ। मनुका भी ऐड कर दूँगी और वाटरमेलन के सीड्स ऐड कर दूँगी। से तो क्या होता है कि ये जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, इन ड्राई फ्रूट्स को भिगा कर रखते हैं, तो कुछ रात भर के लिए रखते हैं, कुछ लोग 5 से 6 घंटों के लिए रखते हैं, कुछ 1 घंटे के लिए रखते हैं। तो मैं यहाँ पर तुरंत ही इसको थोड़ा सा स्टीम कर लूँगी, टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दूँगी मैं। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसे उतार लूँगी मैं। अब मुझे यहाँ पर दूसरा पैन ऐड कर देना है। इस पैन में एक बॉल शुगर हमने ऐड कर देनी है यहाँ पर, और ये आधा बॉल जो है वो मैंने बचा कर रखा हुआ है। तो इस शुगर को हम मेल्ट कर लेंगे क्योंकि हमको इसका कैरेमल शुगर सिरप तैयार करना है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, ये शुगर यहाँ पर मेल्ट हो रही है, इसे हिलाना नहीं है, ऐसे ही होने देना है। तो ये कुछ समय में लिक्विड बन के तैयार हो जाता है। स्पीड मैंने लो टू मीडियम ही रखी है, अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। अभी मुझे क्या करना है, गैस ऑफ कर देनी है, और गैस ऑफ करने के बाद में इस बर्तन को मैं नीचे उतार लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके आधा बॉल के करीब पानी ऐड कर दूँगी।
इसे अच्छी तरह से मिलाना है। इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इस समय आप सावधानी रखें क्योंकि इसमें पानी मिलाते हैं जब सिरप में, तो ये ऊपर आने के चांसेस होते हैं। ये अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, अब गैस ऑफ कर देंगे। कर लूँगी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और यहाँ पर थोड़ा नमक ऐड करके इस तरह की जाली रख दी है। आप कुछ भी जाली रख सकते हैं, अगर नहीं हो आपके पास में तो प्लेट रख सकते हैं यहाँ पर। और अभी मेरे को गैस फुल कर देनी है, फुल कर दी है मैंने गैस, और अब इसे हमको प्री हीट कर लेना है। तो मैं इसे ढक कर रख दूँगी जिससे ये जल्दी गर्म हो जाएगा। अब हमारी जो आधा बॉल बची हुई शुगर है उसको यहाँ पर मैं ऐड कर देंगे और इसका मैं पाउडर बना लूँगी। जो हमने जायफल, दालचीनी, इलायची और लौंग और साथ ही सौंठ का टुकड़ा, ये ऐड करके घुमा लेना है मुझे। ये शुगर का अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया और जितने भी मसाले लिए हैं वो भी अच्छी तरह से बारीक हो गए हैं। अभी फ्रेंड मैंने ये नेट ले ली है छलनी और इसमें मुझे मैदा ऐड कर देना है और साथ ही मैं जो पाउडर शुगर हमने तैयार कर रखी है उसको भी मुझे ऐड कर देना है। मिल्क पाउडर और कोको भी ऐड कर दूंगी। एक स्पून फुल भर के बेकिंग पाउडर ऐड करना है। चम्मच से एक चौथे चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। अब इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा पॉट ले लिया है। अभी हमें यहाँ अभी इस बर्तन में मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, साथ ही दूध लिया है ये दूध ऐड कर देना है। इस तरह से मिक्स कर देंगे। मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी, तो एक टेबल स्पून के करीब मैं वनीला एसेंस लेने वाली हूँ। इसे भी मिक्स कर देना है। ये सारा लिक्विड मैं इस बैटर में ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरह से मिक्सअप कर लेना है। इसे मिक्स कर दिया है। हमने जो शुगर सिरप यहाँ पर बना रखा है उसको ऐड कर देना है। कर्ड भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, हमारे ड्राई फ्रूट सोक करके रखे थे उसको ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। पूरा ही शुगर सिरप हमको यहाँ पर लग गया है। इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंट लेना है जिससे कि इसमें एयर डेवलप हो सके। तो मैं इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक घुमा लेती हूँ। कंसिस्टेंसी हमको लगती है, ये देखिए। अभी ड्राई फ्रूट्स होने की वजह से फ्लोविंग अच्छा नहीं दिख रहा है इसका। इसको बटर या ऑयल या घी से आप इसे वैक्स कर सकते हैं, तो मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ इसे। अभी इस पैन को हमको मैदे से डस्टिंग कर लेना है। तो ये मैदा ऐड कर दिया है, इसे इस तरह से चारों तरफ से घुमा लेना है मुझे। केक वाला बैटर है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। 3 से 4 बार तक टैप कर लूँगी मैं जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। प्रीहीट हो गया है, इसके ऊपर का ढक्कन निकाल लूँगी मैं और मुझे यहाँ पर ये पैन ऐड कर लेना है। तो ये पैन ऐड कर दिया है मैंने और इसे ढक कर रख देना है। मैंने स्पीड जो है मीडियम कर देनी है, तो ये मीडियम कर दूँगी मैं। 15 मिनट नेट हो गए हैं, मैं ऊपर के ढक्कन को निकाल लूँगी और थोड़ा चेक कर लेंगे हम। ये इस तरह से फूल गया है। अभी हमको गार्निशिंग के लिए कुछ फ्रूट्स रखे थे मैंने यहाँ पर, वो यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैं। फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं।
नहीं किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि अगर पहले हम ऐड करते हैं तो ये जो ऊपर फूल के आता है तो उसकी वजह से ड्राई फ्रूट सारे अंदर चले जाते हैं। अभी थोड़ा गीला रहते हुए मैंने यहाँ पर ऐड किया है 7 से 8 मिनट के बाद में। अभी मैं वापस इसे ढककर रख दूंगी। ये हो गए हैं, अभी हम इसे निकाल के थोड़ा चेक कर लेंगे हुआ है या नहीं। ये ऊपर से थोड़ा गीला लग रहा है। थोड़ा होने का है, 5 से 7 मिनट और लगने वाले हैं, तो हम इसे वापस ढक के रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, चाकू थोड़ा सा गीला निकला है। 1 मिनट के करीब हो चुके हैं, अभी खोल के इसे देख लेंगे हम। ये देखिए एकदम क्लीन आई है, यहाँ से भी क्लीन है, मतलब ये केक बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर दूंगी। नैपकिन ढक कर रख देना है जिससे इसकी स्टीम धीरे धीरे निकलती है और ये मॉइस्ट रहता है। कर रख दिया है फ्रेंड, 10 से 15 मिनट तक हो गए हैं, ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी हम इसे निकाल लेंगे, तो अभी मैं इसके किनारे रिमूव कर लेती हूँ। ये है मैंने, और इस प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए बहुत अच्छे से निकला है, ये बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। अभी हम इसे काट के चेक कर लेंगे कितना बढ़िया, एकदम स्पंजी मुलायम केक बना है। ये हमारा ड्राई फ्रूट फ्रूट केक या रिच ड्राई फ्रूट केक रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत केक बना है और साथ ही स्पंजी भी बना है बहुत, और खाने में एकदम डिलीशियस है, टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।